नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आज विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान ने बहस के दौरान ओबीसी आरक्षण को लेकर के बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि ओबीसी आरक्षण को लेकर प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह के साथ कानून के जानकारों से भी चर्चा उन्होंने की है। ओबीसी आरक्षण को लेकर के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस लेकर गई थी मामला, फिर कांग्रेस के रिट पर भी ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में निर्देश दिया। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा साफ है और ओबीसी आरक्षण के साथ ही पंचायत चुनाव होंगे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि आप कोर्ट का बहाना ना बनाएं, अब हम साथ कोर्ट चलते हैं। तो मुख्यमंत्री के बयान के बाद वर्तमान में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी रहेगी या नहीं, ओबीसी आरक्षण को लेकर अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, कितने समय में ओबीसी आरक्षण को लेकर के तस्वीर साफ हो पाएगी, आज इन्हीं सवालों के साथ हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जरा ये सुनते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। के हितों पर किसी भी प्रकार का कुखात ना हो, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्याय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उन्हें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कहती हुई कैदों में 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। राज्य सरकार दिसंबर 2021 से 2022 तक भी 23,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने जा रही है, उनमें भी 27% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस सरकार की सदैव से ये नीति रही है सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। और इसके चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार भी सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ उसके एक ही अनेक उदाहरण जहां तक ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं। हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं आप एडवोकेट जनरल है, कोई तरफ और तरफ की चोरी रखे, फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि उस स्टे के खिलाफ आपने क्या किया ताकि ओबीसी 27% आरक्षण मिल जाना। क्या आप हाईकोर्ट के बाद आप सुप्रीम कोर्ट गए जैसे अभी आप चले गए थे रोटेशन के मामले में, और रोटेशन भी माननीय नेता प्रतिपक्ष रोटेशन भी तो आरक्षण के ही होता है, एससी की बजाय एसटी हो जाए, एसटी की बजाय सामान्य हो जाए, रोटेशन और आरक्षण मैं स्वर्ग के बारे में बात बोल। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं क्यों पिछड़े वर्ग की पीठ पर चुनाव भोंपा गया, क्यों उस स्टेट को बैकेट नहीं कराया गया, क्यों आप हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में नहीं है। आपने चुनाव निकल लिया, परिणाम भी सामने आ गए, आप चुपचाप बैठे रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 5 मार्च से लेकर 18 मार्च तक आपकी सरकार हाथ पे हाथ रखे बैठी थी, ना केंद्रीय डायर की ना वकीलों के निर्णय के पक्ष में, वकीलों ने निर्णय के पक्ष में न्यायालय में उतर के कोई अपील नहीं की और उसका खामियाजा
पिछले वर्ग को भुगतना पड़ा, आपके शासनकाल में एक भी नौकरी मिली हो तो बता दो, एक भी नौकरी मिली हो 27% आरक्षण के माध्यम से। सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता के साथ हर समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और इसलिए चाहे मामला ओबीसी के कल्याण का हो, अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण का हो, यहां तक के सामान्य वर्ग के गरीबों को भी 10% आरक्षण अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी सामाजिक न्याय सामाजिक समरसता के साथ। यहां ओबीसी का सवाल है, मैं पहले ही अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करता हूं, हमने पिछड़े वर्गों के कल्याण में ना तो कोई कसर छोड़ी है और ना कोई कसर छोड़ी जाएगी। ओबीसी के हितों पर किसी भी प्रकार का कुठाराघात ना हो, इसके हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि केवल उन प्रकरणों में ओबीसी आरक्षण जिनमें न्याय ने स्थगन दिया है उनमें 14% रहेगा, लेकिन जिनमें स्थगन नहीं दिया उन्हें 27% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला हमने किया। और उसके उदाहरण भी मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हाल में हमने 8,828 पदों पर भर्ती की है और मुझे कैदियों में 27% आरक्षण हमने दिया है, शासकीय नौकरियों में भर्ती कर दिया। वहीं ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव कराने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, जरा वो भी आप सुन लें। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि किसी भी कीमत पर ओबीसी के आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होना चाहिए। सरकार के जो भी प्रयास हैं, सरकार जो भी लीगली कर सकती है या जो कर रही, वो एक दो दिन में परिणाम आपके सामने आएगा। और सरकार इस बात का पूरा प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण पंचायत के चुनाव में मिले। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ओबीसी की विरोधी है। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, जरा वो भी आप सुनिए। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की विसंगतियों के बारे में बहुत विस्तार से सदन में अपनी बात रखी। जिस तरह से सरकार की तरफ से जवाब आना चाहिए वो जवाब बहुत तर्कपूर्ण नहीं था। लगातार अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहे सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और यहाँ तक कि विधायक साथी भी क्रिया प्रतिक्रिया देते रहे, पर जो विसंगतियाँ हैं, त्रिस्तरीय पंचायती राज का जब गठन हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी ने पूज्य महात्मा गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए 73वां-74वां संशोधन विधेयक लाकर और जिस तरह से अधिकार संपन्न संवैधानिक अधिकार दिया और अधिकार संपन्न, और मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य था जो भारत देश का त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला। अब विधानसभा के बाहर भले ही तापमान लगातार गिर रहा है लेकिन विधानसभा के अंदर पारा काफी हाई रहा। ओबीसी आरक्षण पर बहस के दौरान कई चीजें सामने आई हैं, जरा वो भी आप देखिए। तो आरक्षण को लेकर किरार है और इस पर सियासी पार्टियां अब सियासत करने में जुट चुकी हैं। विधानसभा के भीतर भी इसको लेकर के गहमा गहमी देखने को मिली। लेकिन अब जरा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले आज के दो खास मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता सनवर पटेल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सनवर जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत में आपसे कर रहा हूं सनवर पटेल जी, एक बड़ा सवाल है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के विपक्षी खेमा कह रहा है कि आपने पैरवी सही तरीके से नहीं की, आपने
सिर्फ गलतियों को छुपाने का काम किया है। और यही वजह है कि आरक्षण का मसला आज भी लोगों के सामने है, इसका कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है। सनवर जी मुझे सुन पा रहे हैं? सनवर पटेल जी मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ सनवर जी मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है सर आप तक? चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। लेकिन हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। फिरोज सिद्दीकी, ये ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो रार लगातार एक लंबे समय से सियासत के रूप में नजर भी आती है, आखिर इसमें परेशानी कहां आपको नजर आती है? इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो कहा जा रहा है कि परेशानियां तो कांग्रेस ने खड़ी करी हैं। देखिए 27% 2001 में 2002 में ही दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने दिया, वो गया हाई कोर्ट, हाई कोर्ट में गया तो भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी शिवराज सिंह जी की 2003 में जो उस भाजपा सरकार आई उसने पैरवी नहीं की और वो एक्स पार्टी होके वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गई। अब जब हमने 27% आरक्षण जो है वो विधानसभा से पारित कर दे दिया गया है तो अब परेशानी क्या है सरकार को? सरकार को जो है पक्ष वहां सुप्रीम कोर्ट में रखना चाहिए। जब माननीय कमलनाथ जी ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सरकार SLPA यानी एक स्पेशल याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे और जब तक चुनाव ना हो जब तक ओबीसी के आरक्षण का मसला सुलझ ना जाए ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराए जाए। सरकार का धन्यवाद कि उन्होंने कमलनाथ की कांग्रेस की ये बात मानी और अब जो है भाजपा जो है वहां भाजपा की जो सरकार है यानी शिवराज जी की सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी। और अभी बयान भी आया भूपेंद्र सिंह जी का जैसा कि मैं सुन रहा था बिना ओबीसी आरक्षण किए जो है इसमें कांग्रेस का साथ होगा क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लड़ाई सरकार लड़ने जा रही है उसमें कांग्रेस पार्टी उनके सामने खड़ी हो जाए? देखिए हम किसी लड़ाई हम ही ने मांग की इस बात की कि आप सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करिए और ओबीसी आरक्षण का जो मामला है ये अब क्योंकि कानूनी मामला बन चुका है इसलिए इसको कानून के तहत ही लड़ना पड़ेगा। तो कानून के तहत आप सरकार इसमें लड़ाई लड़े और है ना ओबीसी को आरक्षण दिलाया जाए ताकि पंचायत चुनाव स्थगित रखे जाए। गलती तो सरकार ने की कि यदि आपने रोटेशन यानी रोटेशन में आरक्षण में जो रोटेशन होता है उसका पालन किया होता, परिसीमन का पालन किया होता जो कि संविधान उसको नकारा सरकार ने काम किया इसलिए लोग पीड़ित पक्ष जो थे तमाम जैसे संदीप पटेल मनमोहन नागर ये भारतीय जनता पार्टी के थे, कुछ लोग जैसे सैयद जाफर जो हमारे प्रवक्ता भी है लेकिन जिला पंचायत सदस्य रहे वो परासिया से वो भी रहे, जया ठाकुर भी गई तो पीड़ित पक्ष उसमें गया। तो ये जो कोर्ट ने जो आज दिया है उस निर्णय से कांग्रेस पार्टी असहमत है, सरकार अब जा रही है कांग्रेस उसका समर्थन करेगी और जो भी सकारात्मक सहयोग सरकार को चाहिए होगा कि ओबीसी आरक्षण की लड़ाई चुनाव नजदीक है इसलिए पार्टी रहेगी। फिरोज सिद्दीकी चुनाव नजदीक है सिर्फ इसलिए? इस बात के चुनाव का मुद्दा तो है ही नहीं है। 2019 में जब हमारी सरकार आई मुद्दा तो चुनाव का ही है ना, आरक्षण दिया मुद्दा तो सर चुनाव का ही है, मुद्दा तो सारा चुनाव का ही है। मैं ठीक है इसमें सनवर पटेल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं जरा जल्दी से उनका रिएक्शन ले लेता हूँ। सनवर पटेल जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सनवर पटेल जी यहाँ पर आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी ये कह रहे हैं कि सरकार क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार दबाव बना रहे थे कि आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए 27%, जिसके लिए इससे पहले की आप सरकार ने काम किया था लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आती है तो सही तरीके से पैरवी नहीं करती है, इसी वजह से इस आरक्षण को लेकर के सवाल उठ जाते हैं। जवाब दीजिए सर। देखिए शिवेंदु जी ये बड़ा मजाक है कांग्रेस का। जब कांग्रेस को मौका था तो कांग्रेस ने सिर्फ बातें की, कांग्रेस ने 27% आरक्षण की बात तो की लेकिन जब कोर्ट में पीछे के रास्ते से उनके लोग गए तो सबसे बड़ा आधार यह बना कि कांग्रेस ने लिखित में विधानसभा में यह कहा कि मध्य प्रदेश में 27% लोग पिछड़ा वर्ग के रहते हैं। जब 27% लोगों को आप बताएंगे कि कुल हमारी संख्या 27% है 52 की जगह तो पूरा 100% तो आरक्षण मिल नहीं सकता और इसी कारण से कोर्ट में स्टे मिला
और कोर्ट में इनके महाधिवक्ता उस समय के खड़े नहीं हुए, तो कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी के मामले में एक मजाक करने का प्रयास किया है, भ्रम में रखने का प्रयास किया है। सरकार कितनी सीरियस है सर? सनवर पटेल जी ठीक है, उन्होंने जो किया वो ठीक है सर, उन्होंने जो किया, लेकिन सत्ता में तो आप भी आए, क्या सरकार की तरफ से सही तरीके से पैरवी की गई? अगर पैरवी की जाती तो क्यों नहीं आरक्षण मिलता? सरकार जब से बनी है शुभेंदु जी, हाँ, तो महाधिवक्ता के साथ साथ अटॉर्नी जनरल दिल्ली से आए और हर पेशी पर वो खड़े रहे और 27% आरक्षण देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जिन चार परीक्षाओं पे, जिन चार विषयों पर रोक लगी है उसको छोड़कर पिछड़ा वर्ग के भाइयों बहनों को 27% आरक्षण का लाभ मिले, इस बात की चिंता मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही की है। और देश में जैसा आज आपने शिवराज जी को सुना होगा कि देश में उन्होंने धन्यवाद किया सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 27% आरक्षण नीट की जो परीक्षा होती है एमबीबीएस के विद्यार्थियों के लिए उसमें भी लागू करने का काम किया है। पिछड़ा वर्ग के लोगों को संवैधानिक दर्जा किसने दिया देश में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 70 सालों से क्या पिछड़ा वर्ग के लोगों को, पिछड़ा वर्ग के आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसने दिया? भाजपा ने दिया। तो भाजपा की जो नीयत है वो बड़ी साफ है, भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है कि पिछड़ा वर्ग के लोग के साथ वो खड़ी है, पिछड़ा वर्ग के लोगों को उनका हक मिले, उनका सम्मान मिले, हाँ। यह भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति है। चलिए ठीक है, सम्मान मिलना चाहिए और पिछड़ा वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए जो कोशिशें आरक्षण को लेकर की जो लड़ाई है वो सियासी लड़ाई ना बन करके इसमें सहयोग के साथ मिलकर के लड़ाई लड़ी जाए और कोर्ट के समक्ष सबसे पहले पैरवी तो करनी चाहिए ना फिरोजिदगी। जब ये आरोप लगाया जा रहा है कि आपके पास जब मौका था आपने तो उस पर कुछ नहीं किया, बैकडोर से एंट्री करके आपने सवाल खड़ा कर दिया, आप अब आरोप लगा रहे हैं। देखिए पहली चीज तो ये है कि अभिषेक मनु सिंघवी जी और इंदिरा जय सिंह दो लोग कमलनाथ जी ने अपने पैसे से दो वकील हायर किए हैं और जो सरकार के साथ हाई कोर्ट में खड़े होते हैं पिछड़ा वर्ग की पैरवी के लिए, ये कांग्रेस पार्टी की गंभीरता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये कहती थी कि 50% से ज्यादा आरक्षण हो ही नहीं सकता, दो तिहाई बहुमत में भारतीय जनता पार्टी रही। नहीं तो आपने जो 27% आरक्षण दिया उसमें आखिर स्टे क्यों लग जाता है फिर? देखिए भाई ये उसमें टेक्निकली कुछ ना कुछ तो कमियां थी ना सर। देखिए ऐसा है कि मुद्दा लेके जाएंगे तो कोर्ट उसको सुनेगा और कोर्ट सुन रहा है उस बात को। अब वो कोर्ट के मामले में तो मैं दखल अंदाजी कोई नहीं कर सकता, लेकिन ये बताइए कि वो विधानसभा से पारित कानून है सर, अगर गलत कर दिए जाएंगे तो कोर्ट तो सवाल उठाएगा ही ना। हाँ उसको सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो उसको इधर उधर नहीं कर सकता, उसको खारिज नहीं किया जा सकता, ये मेन बात है। ओबीसी का 27% यही तो दिक्कत है ना सर, ना खारिज हो सकता है, बीच में लटका रहेगा और इसी पर सियासत होती रहेगी। नहीं लटका इसलिए है कि उन्होंने जो कोर्ट क्यूरीज मांग रहा है वो क्यूरीज सरकार देती नहीं, ये पेशी पे पेशी बढ़वाती जाती है, इसलिए हो रहा है ये मामला। अगर सरकार पूरा पक्ष रख दे हाई कोर्ट के सामने एक बार में तो ये मामला उसी दिन डिसाइड हो जाएगा। ठीक है सर्वर, सर्वर जी जरा जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के नेता और जो इसमें जो वकील हैं वो भी साथ आ रहे हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए, ओबीसी आरक्षण दिलाने के लिए। शुभेंदु जी मैं आपका सवाल ठीक से सुन नहीं पाया, फिर से आप सवाल दीजिए। फिरोज सिद्दीकी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए ओबीसी आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी ने कुछ वकील हायर किए हैं और वो लगातार पैरवी करते हैं। देखिए शुभेंदु जी जब कांग्रेस को कोर्ट में अपने वकील खड़ा करने थे, शासन के वकीलों तक को उन्होंने खड़ा नहीं किया, और आज जब उनको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए था पंचायत चुनाव का, अगर वो चाहते थे पंचायत चुनाव के अगर वो पक्ष में थे तो उनको कोर्ट नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आज जब कोर्ट नहीं जाना चाहिए था तब वो कोर्ट गए और उन्होंने पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग के लोगों के अधिकार पर डाका डाल दिया। तो अगर कोई दोषी है पिछड़ा वर्ग के लोगों को जो आरक्षण आज की तारीख में नहीं मिल रहा है उसके लिए तो कांग्रेस है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है भाई। वो काम नहीं है 15 साल में पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण लाएगी भारतीय जनता का जवाब दो, 15 साल में 3-3 पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री ये काम क्यों नहीं कर पाए? क्यों आप मुख्यमंत्री नहीं बनाए? आप क्यों दिग्विजय सिंह जी को ही बनाते हैं, कमलनाथ जी को ही बनाते हैं? आप तो कमलेश्वर पटेल जो पिछड़ा वर्ग के हैं उनको बच्चा बोल देते हैं। तो पटेल से ये बताइए कि आपकी सरकार क्यों नहीं ला पाई 27%? आप पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करने का काम करते हैं, आप अरुण यादव
मंत्री प्रोजेक्ट किए नहीं किए, आज कमलेश्वर पटेल जी को आपने विधानसभा में बच्चा बोल दिया, तो ज्यादा आरक्षण करते हो आप, अपमानित करने का काम करते हो। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाती है पिछड़ा वर्ग के लोगों को उमा भारती जैसे लगाकर लगाकर शिवराज सिंह जी चौहान तक, तो आपके पेट में क्यों गर्व होता है? अच्छा एक चीज तो बताइए सर, सरकार की, चलिए ठीक है सरवर पटेल जी एक सवाल का जवाब तो दीजिए कि सरकार की मंशा तो साफ है लेकिन कोर्ट का निर्देश भी है, और ऐसे में जो अभी मौजूदा वक्त में जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं, क्या आप दूसरे फेज में होंगे ओबीसी आरक्षण के, ओबीसी को लेकर के जो पंचायत के चुनाव है? देखिए इसके लिए शुभेंदु जी सरकार निर्णय करेगी, सरकार अपनी लीगल टीम के साथ बैठेगी और क्या कर सकती है वो सब कुछ करेगी। आज जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम प्रतिबद्ध है, हर प्रकार के हम प्रयास करेंगे और पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे, लेकिन वो किस रूप में आएगा, किस प्रकार से कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, यह सब हमारे सामने आने वाला है। ठीक है, इसमें फिर उसे देखिए अभी कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक आए तो आप कोर्ट पहुंच गए, जब आपको नहीं जाना चाहिए था तब आप कोर्ट पहुंच गए, जब जाना चाहिए था तब आपने कोशिश नहीं की, गए थे आप, जब चुनाव का परिसीमन का उल्लंघन कर रहे हैं, रोटेशन की प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं, इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी कभी नहीं गई, भारतीय जनता पार्टी ने तीन तीन बार पंचायत के चुनाव कराए इनकी सरकार में, हम तो कभी नहीं गए। जब आपने छेड़छाड़ की तो हम रोटेशन की मांग करने गए थे, और हम कांग्रेस थोड़ी गई थी इसमें, इसमें तो पीड़ित पक्ष गया था और पीड़ित पक्ष ने अपनी पैरवी की, और पैरवी की वो सामने आ गई, और इनके कांग्रेस महाराष्ट्र का मामला वो ले आए तो आपको जाना चाहिए था, जब तो आज हमने स्थगन के माध्यम से कांग्रेस ने घेरा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में, तब यहाँ कर रहे हैं कि हाँ नहीं नहीं साहब अब हम जाएंगे, ये क्यों नहीं गए तो 17 सितंबर लेकिन सियासत तो हावी है और इसीलिए आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से उठ चला है। बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का, समय ज्यादा नहीं है, बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर से सियासत में जोर शोर से उठाया जाने लगा है क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक है, लेकिन इस आरक्षण के विषय को लेकर के जो लोगों की परेशानी है क्या उसका समाधान होगा, लोगों को आरक्षण, पिछड़ा वर्ग को क्या वाकई में सम्मान मिल पाएगा, ये फिलहाल देखने वाली चीज है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, नमस्कार।